तो डेल कंपनी में बम्पर जॉब वैकेंसी निकल चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं डेल कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन किया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीनियर सिस्टम इंजीनियर, क्लाइंट इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सीनियर सोल्यूशन इंजीनियर, सीनियर टेक्निकल प्रोग्रामर, और इसके साथ साथ बहुत सी जॉब्स यहाँ पे निकल चुकी हैं दोस्तों। सीनियर इंजीनियर, स्टाफ सोल्यूशन इंजीनियर, सीनियर मेंबर टेक्निकल स्टाफ, फील्ड मार्केटिंग डायरेक्टर, और उसके साथ साथ प्रिंसिपल इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर। और यहाँ पे दोस्तों नॉन टेक और टेक में बहुत सारी जॉब्स यहाँ पे निकल चुकी हैं। यहाँ पे देख सकिए मल्टीपल लोकेशंस पे ये जॉब निकली हुई हैं। तो इन जॉब को कैसे आपको अप्लाई करना है, सारी चीज़ें आपको कैसे देखनी है, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, और कंप्लीट मैं फॉर्म को अप्लाई करके भी बताऊंगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले जॉब को बारे में आपको सर्च कर कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो गूगल में जाना है, अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, जहाँ भी हो ब्राउजर में जाके गूगल खोल लेना है और वहाँ पर डेल टाइप कर देना है। देखिए मैं ऑफिशियली बता रहा हूँ, अनऑफिशियली मैं कुछ नहीं बताता, बिल्कुल ऑफिशियल जो जॉब निकली होती है उसको बताता हूँ, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट होती है, कहीं इधर उधर से किसी अदर वेबसाइट से या कहीं थर्ड पार्टी से मैं नहीं बताता, क्योंकि वो सब फ्रॉड होता है। तो यहाँ पे dell.com आपको ओपन करना है, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे वेबसाइट ओपन होती है तो दोस्तों कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे इस वेबसाइट को आप स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आना है। नीचे आएंगे तो आपको कैरियर्स का सेक्शन एक मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैरियर का सेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए कैरियर्स पे, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों एक नया पेज ओपन होगा, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे कीवर्ड या लोकेशन डाल के आप जॉब को सर्च कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली सर्च जॉब को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जॉब आ जाएगी। तो यहाँ पे सर्च जॉब पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे सर्च जॉब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी जॉब यहाँ पे निकली हुई हैं देख सकते हैं कि जो है 12 ओपनिंग है यहाँ पे, जो है न्यू दिल्ली में, और इसके साथ साथ बहुत सारे मल्टीपल लोकेशन में ओपनिंग है। तो इसका जो है यहाँ पे आप दिख रहा है सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर किसी भी जॉब के बारे में आपको देखना है तो उस जॉब पे क्लिक करके उसके बारे में कंप्लीट जानकारी भी ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं फील्ड मार्केटिंग डायरेक्टर के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों फील्ड मार्केटिंग डायरेक्टर के बारे में सब कुछ चीज़ें खुल गई, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपकी काम क्या होगी और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, सब कुछ आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। अगर इस वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो है कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है, और कोई भी 10th पास, 12th पास ग्रेजुएट्स इस फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट आप देख सकते हैं कि 10 जुलाई है, तो 10 जुलाई की क्लोजिंग डेट यहाँ पे दिया गया है, 10 जुलाई 2021। सबसे पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है अप्लाई नाउ के सेक्शन पे क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं अप्लाई नाउ के सेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे दोस्तों आप अप्लाई नाउ के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन होगा, जैसे कि यहाँ पे मेरा ओपन हो गया है। तो यहाँ पे इसमें आपको सारी डिटेल्स भरनी है, ये सारी चीज़ें आप मोबाइल से, कंप्यूटर से, चाहे जहाँ से भी हो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डालना है, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम है अमन और लास्ट नेम है यादव, तो मैं नाम डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालना है, तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी आप बिल्कुल डाल दीजिए, ईमेल आईडी बिल्कुल सही सही डालिएगा, क्योंकि उसी ईमेल आईडी पे मैसेज आ सकता है। मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा, मोबाइल नंबर मैं डाल दिया। उसके बाद दोस्तों आपको मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे जो है जॉब की कैटेगरी, आप कौन सी जॉब करना चाहते हैं, किस कैटेगरी में, जैसे सेल्स में, सर्विस में, मार्केटिंग में, लीगल में, इंटर्नशिप में, फाइनेंस में, जैसे मैं सर्विस में काम करना चाहता हूँ। लोकेशन, किस लोकेशन पर आप काम करना चाहते हैं, तो मान लीजिए मैं लखनऊ लोकेशन पर काम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर लखनऊ आपको लिख देना है। तो लखनऊ जैसे लिख करेंगे तो यहाँ पे देखिए लखनऊ इंडिया आ गया, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। करियर लेवल आप जो है क्या है, प्रोफेशनल है, एंट्री लेवल है, तो यहाँ पे आप प्रोफेशनल एंट्री लेवल, यहाँ पे एंट्री लेवल डाल दीजिए कि मैं अभी एंट्री कर रहा हूँ। ये जो है करने के बाद आपको जो है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे इस पर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको जॉब एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नया पेज ओपन हो रहा है, तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक नया ओपन पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट पे पहले क्लिक करना होगा अकाउंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ईमेल जो है डालना है, तो यहाँ पे जो है ईमेल एड्रेस आप डाल दीजिए जो आपने ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाला है। यहाँ पे अकाउंट मैं क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट करना है, पासवर्ड जो है एक स्पेशल करेक्टर, एक जो है कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, और एक नंबर भी होना चाहिए। तो ये ध्यान दीजिएगा जो है पासवर्ड बनाते समय। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो है व्यू माई वाई लास्ट एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो व्यू माई लास्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो जो आपने फॉर्म अभी भरा था तो आप यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है फॉर्म आ गया। यहाँ पे आप लॉगिन करिएगा, आप फिर से आपने पासवर्ड जो बना दिया है उससे लॉगिन करके फिर आप फॉर्म को देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं लॉगिन कर देता हूँ अपनी ईमेल आईडी डाल के, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पे फिर लॉगिन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, साइन इन पे क्लिक करता हूँ। साइन इन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा फॉर्म खुल के आ जाएगा, हाँ जो फॉर्म मैंने अप्लाई किया है। उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ और चीज़ें मांगेंगी, तो उसके आप जो है चीज़ें जो है फिल कर दीजिए। फिर से आपका नाम मांगेगा तो यहाँ पे अपना नाम फिर से डाल दीजिए। लास्ट में मांगेगा तो यहाँ पे लास्ट में फिर से डाल दीजिए। जो जो चीज़ें इंस्टॉल लगी हुई हैं उनको डाल दीजिए। यहाँ पे एड्रेस आप डाल दीजिए, तो यहाँ पे मैं विलेज डाल देता हूँ, पोस्ट डाल देता हूँ,
तो यहाँ पे देखिए मैं विलेज डाल दिया, यहाँ पे पोस्ट डाल देता हूँ, तो इस तरह से आपको डाल देना है। यहाँ पे सिटी में जो आपकी सिटी है लिख देना है, जैसे कि मेरी सिटी लखनऊ है, मैं लखनऊ लिख देता हूँ। पोस्टल कोड यहाँ पे डालना है, तो पोस्टल कोड मैं डाल दिया। मेरा ईमेल एड्रेस पहले से यहाँ है, फ़ोन जो है क्या है, मोबाइल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर फिर से डाल दीजिए। फ़ोन नंबर डालने के बाद अब यहाँ पे जो है सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, तो जो है और यहाँ पे गिवन नेम बोल रहा है, तो जो है एक नया पेज ओपन हो गया। देखिए कोई अलर्ट था तो उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अपना रिज्यूम अपलोड करना है, तो रिज्यूम मैं बता दिया हूँ, आप रिज्यूम नहीं बनवाए हैं तो बनवा के रख लीजिए। यहाँ पे मैं रिज्यूम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा रिज्यूम अपलोड हो गया है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, कहीं आप जॉब किए हैं तो वो आप डाल दीजिए। यहाँ पे समय नो नो कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें हैं मैं यहाँ पे सब नो करके आगे बढ़ता हूँ, आप अपने हिसाब से जिनको सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप जो है क्या पूछ रहा है क्या नहीं, तो यहाँ पे सारी चीज़ें उसे नो कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सेव एंड कंटिन्यू पे फिर से क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई हैं, तो आप मेल है फीमेल है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे जो है चेक मार्क्स कर दीजिए, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेगा तो आपकी एप्लीकेशन की सारी डिटेल्स आ जाएगी। अब यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना है, आपका जो है एप्लीकेशन सब कुछ सही है। तो अब यहाँ पे फाइनल सबमिट जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बोल रहा है कि ये जो है आपका फाइनल सबमिट हो गया है, ये फॉर्म आपका भरा चुका है। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताया कि आपको किस तरह से फाइनल सबमिशन इस फॉर्म को करना है। कोई दोस्तों नहीं बताता, सिर्फ वैकेंसी के बारे में बता के लोग भाग जाते हैं, तो यहाँ पे मैं बताया और ऑफिशियल वेबसाइट से बताया कैसे आपको फॉर्म को सबमिट करना है। ऐसे फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल पे जो है नंबर पे आपके जो फ़ोन आएगा इंटरव्यू के लिए बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आएगा, बिल्कुल ऑथेंटिक आएगा, और आपका इंटरव्यू होगा फ़ोन पे ही, या तो कहीं बुलाएंगे या तो आपको कहीं भी जाना होगा, तो आपका जो है इंटरव्यू होने के बाद आपके नौकरी लगने के यहाँ पे 100% चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ऑथेंटिक चीज़ें दे रहे हैं सारी चीज़ें। तो इस तरह से आप अप्लाई करना है, कहीं फर्जी वेबसाइट से naukri.com से sign.com से आपसे नहीं अप्लाई करना है, वहाँ पे नौकरी नहीं देखनी है, क्योंकि वहाँ पे देखेंगे तो हज़ारों नौकरियाँ आपको दिखेंगी, लाखों नौकरियाँ दिखेंगी, लेकिन काम की एक भी नहीं होती, सब फर्जी होती हैं। वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इंटरव्यू के लिए बोलेगा, हाँ भैया इंटरव्यू के लिए आप 800 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, 2000 रुपये दे दो, तब मैं आपका इंटरव्यू कराऊंगा। इंटरव्यू कराने के बाद कुछ अता पता इनका रहता ही नहीं, आपकी नौकरी नहीं लगती। और इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करेंगे, जैसे कि डेल वालों ने ये वैकेंसी निकाली है, तो मैं डेल की वेबसाइट पर जाकर गया, वहाँ पर सर्च किया और अप्लाई किया, तो यहाँ से बिल्कुल उनके पास मेरी ऑथेंटिक जानकारी जाएगी, हाँ ये जो है कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, तो उधर से फोन आएगा तो मेरा यहाँ पे कंप्लीट सिलेक्शन हो जाएगा, यदि मैं सब कुछ इंटरव्यू वगैरह सही देता हूँ। इस तरह से 38C अगर करेंगे तो आप जो है नौकरी पाने के बिल्कुल हकदार रहेंगे। तो वीडियो कैसे लगी मुझे जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।